खुबर का बातें सी टीवी लॉन राशफी द फ्रैंक मोटर्स द डार्क इज हियर टू रूल। स्पीकर महोदय और मेघालय विधानसभा के माननीय सदस्यगण, 11वीं मेघालय विधानसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को मेरी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमारे खूबसूरत राज्य के लोगों की सेवा में खुद को समर्पित करेंगे। राज्य सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में सर्विस डिलीवरी को बढ़ाने पर विशेष फोकस करते हुए सड़कों, पुलों और बिजली और पेयजल आपूर्ति जैसी बुनियादी ढांचों में बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है। खेती, बागवानी, मछली पालन, पशुपालन जैसे सेक्टर में मिशन मोड में इन्वेंशन के माध्यम से ग्रामीण आजीविका में सुधार, उद्यमियों को बढ़ावा देने पर स्पेशल फोकस कर रही है। सरकार के इन महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं को रेखांकित करने के बाद मैं आगे आगे राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को द्वारा कार्यान्वित की जा रही नीतियां कार्यक्रम के बारे में बताऊंगा। राज्य के विकास के नागरिकों को बचाव, सुरक्षा, शांति आवश्यक है। पिछले वर्षों के दौरान राज्य में ओवरऑल कानून व्यवस्था शांतिपूर्ण रही। मुकरोह कांड के मामले में जांच के लिए राज्य सरकार ने एक न्यायिक आयोग का गठन किया है। सरकार सभी पीड़ितों और उनके परिवार के लोगों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। इलाकों के हमारे नागरिकों की सुरक्षा निश्चित करने के लिए बॉर्डर आउट पोस्ट नोटिफाइड की गई है। एक ऐतिहासिक विकास क्रम में HNLC ने भारतीय संविधान के दायरे में बिना फर्क प्रकार से बातचीत किए अपनी इच्छा प्रकट की है और इस संबंध में शांति वार्ता शुरू हो चुकी है। राज्य सरकार के बातचीत जल्दी पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम इस समर्थन के लिए भारत सरकार को आभारी हैं। मेघालय और असम के बीच में लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवाद के अस्थायी समाधान की दिशा में आगे बढ़ना सरकार के लिए महत्वपूर्ण घटनाक्रम में से एक है। कई बैठकों के बाद दोनों राज्य सरकार पहले डिफरेंस वाले 12 इलाकों में प्रथम 6 इलाकों में ताराबाड़ी, गिजांग, हाहिम, बोकलापारा, खानापारा, पिलकंकाटा और राजचर्रा पर बातचीत करने के पर सहमत हुई है। दोनों राज्यों के कैबिनेट मंत्रियों की अध्यक्षता वाली क्षेत्रीय समितियों में इन 6 इलाकों के दौरान सभी स्टेक होल्डर के साथ जनसुनवाई और विचार विमर्श किया। 3 क्षेत्रीय समितियों की रिपोर्ट के आधार पर माननीय केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति में मेघालय और असम राज्य के बीच एक MOU पर हस्ताक्षर किए गए। मुझे माननीय सदन को सूचित करने में खुशी हो रही है कि राज्य सरकार इस समस्या की समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारे सीमावर्ती इलाकों के सभी नागरिकों के लिए शांति और विकास योजनाओं का लाभ भी सुनिश्चित की जाना जरूरी है। किसानों और अन्य उत्पादकों के समर्थन के लिए बहुत ही सफल फोकस कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत किसानों के प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन और कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाकर उत्पादन संबोधित गतिविधियों को संबंधित गतिविधियों को मजबूत करने के लिए ग्रुप के हर मेंबर को 5,000 रुपये ग्रुप कारोबार का ही सपोर्ट किया गया है। फोकस प्लस की परिक्रमा को व्यक्तिगत बैंक खातों के 5,000 रुपये
का अनटाइट ब्रांड देने के लिए की गई है। अब तक के फोकफ और फोकफ प्लस के माध्यम से 3 लाख से अधिक परिवारों को 200 करोड़ रुपए से भी अधिक की सहायता का लाभ हुआ है। सरकार अगले 5 वर्षों के लिए भीतर सभी 8 लाख शहरी और ग्रामीण परिवारों को इस कार्यक्रम को पहुंचाने का प्रयास कर रही है। मेरी सरकार के इन प्राथमिक क्षेत्रों में कई प्रोडक्ट सेंट्रिक मिशन मोड परियोजनाओं को लागू किया गया। इनमें लॉकडाउन हल्दी अदरक मसाले सुगंधित पौधों के मशरूम और अन्य बागवानी उत्पादों के मिशन शामिल हैं। पिछले 2 वर्षों में इनके माध्यम से 1 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिला है। राज्य में लाइव स्टॉक हमेशा से ग्रामीण आजीविका का एक अभिन्न अंग रहा है। मेरी सरकार ने इस पार्क और दूध उत्पादन में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पिगरी मिशन और मिल्क मिशन के रूप में जुड़वा मिशन शुरू किया है। इन पिगरी मिशन के तहत कुल 413 सहकारी समितियों को पिंग ब्रीडिंग यूनिट फाइटिंग यूनिट की स्थापना के लिए लगभग 80 करोड़ रुपए की सहायता प्राप्त हुई है। प्रगति के कार्यक्रम के तहत गरीब किसानों को पिगरी को बढ़ावा देने और वैकल्पिक ग्रामीण आजीविका को सृजित करने के लिए 74,000 पिगलेट वितरित किए गए हैं। हाल ही में 9 CNDRD ब्लॉकों को नोटिफिकेशन के साथ राज्य में ब्लॉकों की संख्या अब 55 हो गई है। इससे सर्विस डिलीवरी में सुधार होगा और प्रशासन के लोगों के करीब आएगा। मेघालय मनरेगा के कार्यान्वयन में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य में से एक है। इस वित्तीय वर्ष में मनरेगा के तहत 1,100 करोड़ रुपए की अधिक खर्च होने की उम्मीद है। पिछले 5 वर्षों में सृजित माइंडेड और FF की संख्या में सुधार करके मजदूरों के व्यय की दुगना कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मनरेगा के साथ कन्वर्जेंस में पिछले वित्तीय वर्ष में 17,355 से अधिक पक्के घरों और 12,235 से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। NRLM के तहत महिला सशक्तिकरण के लिए अब तक 43,000 से अधिक FFG बनी है, जिसमें 4 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। वर्ष 2018 में 5,800 FFG की तुलना में इसकी संख्या में 7 गुने की वृद्धि हुई है। मेगा मूव के साथ उत्पादों के स्किलिंग और मार्केटिंग का कार्य भी शुरू किया गया है, जो अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स वेबसाइटों पर सभी FFG उत्पादों को ऑनबोर्ड करने के लिए पहल है। CM केयर कार्यक्रम के तहत हमारी सरकार ने कमजोर वर्गों के लिए पेंशन का लाभ में 50% की बढ़ोतरी करके इसे 6,000 से बढ़ाकर 9,000 रुपये कर दिया है। 65,771 वरिष्ठ नागरिक, 36,222 विकल्प माताएं और 14,227 सशक्त नागरिक इस योजना के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं। सरकार की इन विभिन्न इनिशिएटिव के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए ग्राम स्तर पर फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं के रूप में आंगनबाड़ी हेल्पर्स और डेकर वर्कर्स योगदान को देखते हुए हमारी सरकार ने
मानदेय को दुगुना कर दिया है भारत सरकार की इस मानदेय की। अतिरिक्त राज्य सरकार 4,630 आंगनबाड़ी वर्कर को 3,266 मिनी आंगनबाड़ी वर्कर को 1500 एवं 4630 आंगनबाड़ी हेल्पर को 1,000 रुपये प्रतिमाह अतिरिक्त मानदेय दे रही है। हमारी सरकार ने 2022 में ईसीडी मिशन की शुरुआत भी 7 बच्चों को प्रभावित करने वाले कुपोषण की गंभीर समस्या को दूर करने के लिए पहल की है। इस मिशन का उद्देश्य राज्य के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों को में अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट सेंटर में बदलना है। भारत सरकार के आईपीडीपी से बाहर रह रहे 1500 गाँव को भी इसमें लिया गया है। नफाखोरी समाज के प्रभावित एंटी ड्रग मिशन का मसौदा तैयार किया गया है। नशीली दवाओं का दुरुपयोग रोकथाम और जागरूकता हासिल करने के लिए राज्य में ड्रीम अर्थात ड्रग रिडक्शन एलिमिनेशन एंड एक्शन को भी परिकल्पना की जा रही है। पिछले 5 वर्षों में राज्य में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्राप्त करने और गुणवत्तापूर्ण हेल्थ केयर सेवाओं तक पहुंच में सुधार की दफा में जबरदस्त तरक्की हुई है। मेघालय स्टेट हेल्थ पॉलिसी 2021 को ऑफेक पब्लिक हेल्थ केयर सेवाओं को बढ़ाने और पॉजिटिव हेल्थ पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पेश किया गया है। राज्य में 6,254 से अधिक विलेज हेल्थ काउंसिल का गठन किया गया है जो स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को समाधान करने के लिए कम्युनिटी की भूमिका औपचारिक रूप से दे रहे हैं। ऊंची MFR और IFR की चुनौती से निपटने के लिए गर्भवती महिलाओं को ट्रैक करने के उनकी निगरानी करने के लिए मदर कार्यक्रम शुरू किया गया है जिससे अब तक 2.2 लाख से अधिक माताओं को सहायता दी गई है। इसके अलावा संस्थागत डिलीवरी में सुधार के लिए ट्रांजिट होम और ट्रांजिट वाहनों का संचालन किया गया है। सरकार की राज्य के रिमोट जगहों पर समय पर दवाइयां पहुंचाने के लिए ड्रोन दवा वितरण प्रणाली भी शुरू की गई है। राज्य में बढ़ते कैंसर के मामले में विशेष रूप से तंबाकू से संबंधित कैंसर गंभीर चिंता का विषय है। सिविल अस्पताल में शिलांग के कैंसर विंग का उद्घाटन दिसंबर 2022 में किया गया था जिसमें पुरुषों और महिलाओं के लिए क्रमशः 50 और 25 बेड वाले अलग अलग वार्ड हैं और यह डे केयर सुविधाओं की उपलब्ध है। यह कैंसर बीमारी से प्रभावित लोगों के लिए रेडिएशन थेरेपी और अन्य इस प्रकार की सहायता भी दी जाएगी। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कैंसर का समय पर पता लगाने के लिए तुर्रा में भी एक जांच का सुविधा स्थापित की जाए। मेरी सरकार ने जमीनी स्तर पर शिक्षा के बुनियादी ढांचे में आवश्यक सुधार के उपाय किए हैं। लगभग 1,885 स्कूलों में बुनियादी ढांचे में अपग्रेडेशन को प्राथमिकता के आधार पर लिया गया है। सरकार ने लगभग 10,000 शिक्षकों को लाभान्वित करते हुए एड हॉक शिक्षकों के वेतन में 25% की वृद्धि की है। इसमें 81 करोड़ रुपए सालाना के अतिरिक्त खर्च आएगा।
पीएम पोषण योजना के तहत 18,000 से अधिक रसोइयों और सहायकों का वेतन दुगुना कर दिया गया है। सरकार ने 21 पीपुल्स कॉलेज स्थापित करके उच्च शिक्षा का ग्रामीण आबादी की दरवाजे तक पहुंचाने का प्रयास किया है। इस वर्ष उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की सहायता के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के तहत 171 करोड़ रुपए के वितरण किया गया है। कैप्टन विलियम संगमा टेक्निकल यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक शैक्षणिक भवन और शिलांग गवर्नमेंट कॉलेज के ऑफ इंजीनियरिंग का हाल ही में उद्घाटन किया गया। पत्थरखमा और रोगाजेंग से मॉडल की डिग्री का काम पूरा होने के करीब में है। माउंट फ्लांग और महेंद्रगंज में साइंस कॉमर्स कॉलेज का निर्माण कार्य प्रगति पर है। खेल मेघालय एक युवा राज्य है जिसकी लगभग 70% आबादी 30 साल से कम है। मेघालय युद्ध पॉलिसी 2021 का उद्देश्य युवाओं को उनको वास्तविक क्षमता का एहसास कराने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के अवसर पैदा करना है। मेरी सरकार के खिलाफ बुनियादी ढांचे का उन्नत करने के लिए लगन से काम कर रही है। मैं तुर्रा में पीए संगमा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में फुटबॉल स्टेडियम का हाल ही में उद्घाटन किया गया है। वाई जेर मल्टी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स शिलांग में जेएन स्टेडियम का काम काफ़ी प्रगति पर है। बुनियादी ढांचे इन कामों में पूरा हो जाने पर राज्य को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी करने की अनुमति मिल सकेगी। इसके अलावा राज्य में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 300 से अधिक स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। नवंबर 2022 में दूसरे नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक खेलों की सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। 3,000 से अधिक एथलीटों के खेलों की 18वीं विधाओं में भाग लिया। इसके अलावा मेघालय गेम को 16 वर्षों के गैप के बाद पुनर्जीवित किया गया है। एथलीटों को समर्थन देने के लिए नकद पुरस्कार तथा छात्रवृत्ति जैसी योजनाएं लागू की जा रही है। ओलंपियन तैयार करने की दृष्टि से शुरुआती प्रतिभा की पहचान समर्पण के लिए इफ्तार कार्यक्रम शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार 46,000 से अधिक युवाओं की पहचान की गई है। हाल ही में संपन्न हुए संतोष ट्रॉफी में प्रदेश के पुरुष फुटबॉल टीम का शानदार प्रदर्शन बेहद उत्साहजनक है। ग्रामीण परिवारों की योजनाओं को उपलब्ध कराना हमारी सरकार की फर्ज प्राथमिकता रही है। जब जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन शुरू किया गया था तब राज्य में केवल 4,550 चालू घरेलू नल कनेक्शन थे। 4 साल में भी काम समय से संख्या बढ़कर 2,09,000 से अधिक घरों तक पहुंच चुका है। इसके अलावा 1,422 गाँव में अब 100% घरेलू कनेक्शन है। वाटर कनेक्टिविटी देने के में मेघालय अब देश का दूसरा सबसे बेहतर राज्य है। ग्रेटर शिलांग वाटर सप्लाई स्कीम फेज 3 नगफ्टाइन अर्बन वाटर सप्लाई स्कीम आम पट्टी वाटर सप्लाई स्कीम जैसी अन्य प्रमुख वाटर सप्लाई योजनाएं पूरी होने के कगार पर हैं।
बागमारा वाटर सप्लाई स्कीम का कार्य पूरा होने के बाद उसका उद्घाटन किया जा चुका है। सरकार ने शिलांग शहर में ट्रैफिक को कम करने के लिए बहुत बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है। 30 बसें खरीदी गई हैं और 10 करोड़ रुपए की लागत से शेयर्ड स्कूल बस सिस्टम शुरू की जा रही है और कई नई सड़कों का निर्माण सहित सड़क नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए प्राथमिकता दी जा रही है। विस्तार के माउंट डांग माऊ खानू में लगभग 807 एकड़ की भूमि अधिग्रहण किया गया है। इससे मौजूदा शहरी केंद्रों पर बोझ कम होगा। सरकार ने इस हाल में शौचालय टूरिज्म पॉलिसी 2023 को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य मंत्रालयों के एक पसंदीदा पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना, राज्य की पर्यटन क्षमता का विकास, रोजगार सृजन, उद्यमता के अवसर पैदा करना है। यह भी गर्व की बात है कि सरकार ने वर्ष 2022-23 में 2-5 सितारा होटलों की विवानता मेघालय शूटयार्ड बाग मैरियट संचालन शुरू कर दिया है। लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राज्य भर में पर्यटन स्थलों का विकास किया जा रहा है। PMEGP के साथ कन्वर्जेंस की शुरू की गई होम स्टे योजना 70% की सब्सिडी प्रदान करती है। इसके तहत अगले 5 वर्षों में 5,000 होम स्टे बनाने का लक्ष्य। अब तक राज्य भर के 235 उद्यमियों को इस योजना का लाभ उठाया है। आईटी इनबिल्ड सर्विस सेक्टर के पिछले कुछ दशकों के तेजी से बढ़ रहा है। फरवरी 2022 में शिलांग नेट पार्क फेज 1 का उद्घाटन किया गया है। नेट पार्क सभी स्टॉक होल्डर के सहयोग से इंक्यूबेशन सेंटर में का सपोर्ट करेगा और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 1500 लोगों को रोजगार का ऑफर देगा। इस सफलता के ध्यान में रखते हुए शिलांग नेट पार्क के दूसरे चरण का निर्माण शुरू किया गया है। इस परियोजना को पूरा होने पर 3,000 से अधिक लोगों को डायरेक्ट, 10,000 लोगों को इनडायरेक्ट रोजगार मिलेगा। चौमुखी विकास हेतु विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में रिफॉर्म लागू किया जा रहा है। मनोहल मिनी HEP के पहले चरण का उद्घाटन और कमीशन के साथ ही राज्य सरकार की कुल अवस्थापित विद्युत क्षमता 363 मेगावाट हो गई है। सड़कों अर्थव्यवस्था का ऋण है। राज्य में सभी श्रेणियों की सड़कों को कुल लंबाई लगभग 10,577 किलोमीटर है। सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत सड़क परियोजनाओं पर काम कर रही है। वर्ल्ड बैंक फंडेड MITP के तहत शिलांग निगम पफो रोडू और लाइकोट पेमलाइट कराइड
लाइट ब्रेड रोड जैसी महत्वपूर्ण सड़क पूरी हो चुकी हैं, बेहतर कनेक्टिविटी के लिए चलाई जा रही मायरांग राडी गोडाउन अजरा रोड रोफो फुलवाड़ी हिल रोड बटला फेला रोड जैसी महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं में अच्छी प्रगति हो रही है। प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत पिछले 5 वर्षों में 2,200 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का नेटवर्क बनाया गया है। माननीय फतेहपुर मुझे आप अभी को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि न्यू शिलांग में नई असेंबली बिल्डिंग का निर्माण कार्य फिर से शुरू हो गया है और हमारा प्रयास इसको जल्दी से जल्दी उपयोग में लाने योग्य बनाने का है। मेघालय विधानसभा 2022 के ऑटम सेशन में ई विधान मिशन मोड प्रोजेक्ट शुरू करने वाली देश की पहली विधानसभाओं में से एक है। संसदीय कार्य मंत्रालय फंडेड इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य विधानसभा में रिकॉर्ड को डिजिटाइजेशन करना और विधायकों के कामकाज को पेपरलेस बनाना। प्लानिंग विभाग का नाम बदलकर प्लानिंग इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एवं सस्टेनेबल सरकार के डोनर और ट्राइबल अफेयर्स जैसे मंत्रालयों को वित्तीय संसाधन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विभाग वर्ल्ड बैंक का जायका एडीबी और न्यू डेवलपमेंट बैंक जैसी एजेंसियों द्वारा ईएफपीज के कार्यान्वयन के लिए नोडल विभाग भी है। पिछले 5 वर्षों में राज्य सरकार में ईएफपीज के तहत 4 गुना वृद्धि के साथ 10,000 करोड़ रुपए को धनराशि जुटाने में सक्षम रही है। लास्ट माइल तक बैंकिंग सेवाओं को पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार ने मौजूदा 1100 बिजनेस कॉरपोरेट के अलावा करीब 600 नए बिजनेस कॉरपोरेट तैयार किए जो दूर दराज के गांवों में सफलतापूर्वक बैंकिंग सेवाएं मुहैया करा रहे हैं। माननीय सदस्यगण, मैंने राज्य सरकार के कुछ कार्यक्रमों और उपलब्धियों पर संक्षेप में प्रकाश डाला है। पूरे अभिभाषण को अंग्रेजी की प्रति सदन के पटल पर रखी गई है। मैं अपने संबोधन में यह विराम देता हूं। मुझे उम्मीद है कि महान सदन के माननीय सदस्यों द्वारा इस साझेदारी की चर्चा की जाएगी। खूब बेलई मितेला जय हिंद।